देवास में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया। पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर सलामी ली। मंत्री ठाकुर ने सुसज्जित सफेद जिप्सी पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के उपरांत मंत्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इसके बाद सशस्त्र बलों द्वारा 3 बार हर्ष फायरिंग की गई और फिर मार्च पास्ट किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान स्कूली बच्चों ने अपनी अनुपम प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि 77वें स्वतंत्रता दिवस की देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। हम सभी अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, तभी असल मायनों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की वजह से असल प्रतिभाएं रुक जाती हैं, इनका डट कर सामना करना पड़ेगा। माँ चामुंडा की ये नगरी, ये शक्ति के साधकों की नगरी है। बहुत ही उत्साह और मेहनत के साथ आप देख रहे थे, बच्चों की प्रस्तुतियाँ हो, हमारे परेड हो या आम नागरिकों की सहभागिता। आतंकवाद और भ्रष्टाचार, ये दो ऐसे नासूर हैं जो प्रतिभाओं को, योग्यताओं को दफन कर देते हैं। इनके खिलाफ डट कर लड़ना मुझे लगता है हम सब। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।